हाँ तू आ रहा है एकदम ठीक है। तो जैसे आपने क्या बात किया था कि टीवी में एड में जब आप देखता है पिक्चर में देखता है माचिस से लेकर कुछ भी बेचना हो तो क्या होता है एकदम बिगिनी में खड़ा कर देता है ना माचिस या फिर इवन पाइप बेचना है सीमेंट बेचना है तो एक सुंदर सी औरत को मेकअप वेकअप लगा के बिगिनी में खड़ा कर देता है ना क्यों ना ज्यादा सेल होगा लेकिन क्यों कहीं नहीं वो तमाश ज्यादा सेल होगा क्यों अट्रैक्शन। हाँ और ये अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है दिमाग से ये सब कहाँ से हमने क्या बोला था ये क्या एक बात बोला था कि जब तक शिकारी शिकार कर रहा शिकारी कहानी लिख रहा होगा तो भी विलेन कौन होगा शेर है ना सोच रहा ना जब शिकार जा रहा है शिकार करने के लिए शिकारी हंटर तो अगर मैं कहानी लिख रहा है तो विलेन हमेशा शेर होगा ना हालांकि मैं उसको मार रहा है तो वैसे ही शुरुआत से आदमी ज्यादा पावरफुल रहा है मैन है ना आदि मानुष के समय से क्यों रहा है शायद फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से शारीरिक में मेल ज्यादा स्ट्रांग है ना फीमेल कम स्ट्रांग है उसी की वजह से हमेशा मेल आगे रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी हमेशा जो लीडर के पोजीशन में हमेशा कौन रहा है मेल। तो अब लीडर जो अगर मेल है तो वो किस तरह का रूल बनाएगा जिससे मेल का फायदा हो ना किस तरह का कहानियां लिखेगा मेल का जिससे फायदा जैसे रामायण उसमें अगर कोई औरत लिखा होता तो शायद उल्टा होता कि सीता राम बोलती नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं रहेगी है ना वैसी तो महाभारत में शायद द्रौपदी की जगह अर्जुन को नंगा कर दे समझ रहा ना हाँ नहीं हो सकता था ये है ना तो वही बार बार इन चीजों को यही समझने का जरूरत है जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही गलत लेने का नहीं है बस आप अपने तरह से सोचो ये महाभारत या रामायण या जो भी ऐसा क्यों लिखा गया है क्यों आदमी ने लिखा इसलिए ऐसा है वैसे आप कोई भी रूल देखो पिछले 1800 तक क्या है सती सती प्रथा जान देना सती प्रथा सोचो कोई अगर सही में औरत खुद रूल बना रही होती तो कोई ऐसा रूल बनाती क्या कि पति मर गया तो औरत भी आग में कूद जाएगा नहीं बनाएगी ना कौन बनाया होगा ऐसा रूल मैन बनाया होगा वैसी दहेज सोच रहे तुम लोग कल शादी करेगा तुम घर छोड़ के नहीं जा रहे लड़की तुम्हारे घर आएगी फिर भी उसका माँ बाप तुमको पैसा दे रहा है बल्कि तुमको उल्टा देना चाहिए ना कि हाँ आपका बेटी मेरे घर आ रहा है तो मैं आपको पैसा दे रहा है समझ रहे बिजनेस जो अगर बिजनेस के एंगल से देखेगा लेकिन उल्टा हो रहा है क्यों क्योंकि ये सब परंपरा कौन बनाए तो जो परम जैसे कल को मैं रूल बनाने लगे आप लोगों के लिए मैं ऐसा रूल बनाया जिससे मेरा फायदा हो ना जैसे मैं लेट उठता है तो मैं हमेशा क्लास 8-9-10 बजे के बाद करेगा चाहे तुम लोग का मन हो क्लास 7 बजे करने का सुबह सुबह फ्रेश होता है ना सुबह लेकिन मैं क्योंकि लेट उठता है मैं बोलेगा नहीं 10 बजे से पहले क्लास नहीं होगा वैसे ही मैं बोलेगा 4 घंटे क्लास होगा 4 घंटे तुम लोग मेरे को झेल सकता है क्या नहीं ना लेकिन मैं बोलेगा नहीं अब से 4 घंटे क्लास होगा रूल बनाने वाला हमेशा अपना कार्य का रूल बनाया वैसे ही क्या वेद ब्राह्मण जो चार कास्ट बना है क्या क्या बना है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ब्राह्मण सबसे ऊंचा शूद्र सबसे कम है ना कास्ट कौन बनाया हुआ ये रूल ब्राह्मण तभी अगर शूद्र बनाता तो शूद्र टॉप पे होता है ना ये चीज हमेशा ध्यान रखो ये बस जेंडर का ही नहीं पॉलिटिक्स समाज आसपास का छोटे से छोटा पंचायत ये सब का भी प्रॉब्लम इन चीजों पे ऐसे सवाल उठाना जरूरी है ठीक है तभी आपको और समझेगा। तो हाँ जो एडवर्टीजमेंट का बात कर रहा था तो बेसिकली हमने धीरे धीरे क्या कर दिया औरत को भी एक प्रोडक्ट बना दिया सेक्स और औरत को भी एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट माने जो चीज बेची या खरीदी जाती है ना तो इसीलिए हर जगह औरत को एक बिकिनी में खड़ा कर देते जैसे प्रोस्टिट्यूशन पॉर्नोग्राफी और जो पॉर्न में मैंने बोला जो आप देखता है ना वो बहुत एक लिमिटेड आइडिया है सेक्स का पॉर्न में हमेशा हिंसा देखता होगा देखा है पॉर्न उन सब माँ बोलता है हाँ ठीक है अगर कभी देखोगे क्या अगर कभी देखोगे पॉर्न तो उसमें क्या है आपको हमेशा हिंसा वायलेंस दिखेगा ज्यादातर
समझ रहा है, वायलेंट सेक्स दिखता है वो प्यार वाला, आपको कभी असली जो सेक्स होता है वो नहीं दिखेगा, वो सब आपको जब बड़ा होगा शादी करेगा क्या जो तुम बोलता है थोड़ा थोड़ी करेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जो आप पॉर्न में देखते हैं या फिर पिक्चरों में देखते हैं वो असल सेक्स नहीं है, ठीक है। उसे और दिमाग लोगों का खराब हो जाता है, वो लोग सोच समझने लग जाते हैं कि यही सेक्स है जिस तरह से पॉर्न में दिखाया जाता है। पॉर्न में बहुत एक लिमिटेड पर्वर्टेड और हिंसक हिंसा से भरा हुआ सेक्स दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट प्रोस्टिट्यूशन पॉर्न, क्योंकि औरत को ह्यूमन बींग की तरह नहीं देखा जा रहा है, किसकी तरह देखा जा रहा है कि बस एक छेद है और उसमें पीनस घुसाना है, समझ रहा है, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। और टीवी फिल्म एड इंटरनेट वगैरह हर जगह आप देंगे, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो, आई जोर से क्यों पूछ रहा है, सुभाष बोलो कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो। हाँ नहीं ठीक है, अब थोड़ा आप लोग को एक कुछ कुछ नंबर पे बात करते हैं ताकि, ठीक है, कुछ कुछ नंबर का बात करते हैं उससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। अभी इस टाइम पे 40 मिलियन कितना हुआ, मिलियन में कितना जीरो होता है, अभी इस दुनिया में 40 मिलियन प्रोस्टिट्यूट्स है, ठीक है, कुछ भी ना जोर नहीं है लेकिन बस नंबर सोचो, बहुत 40 मिलियन काफी बड़ा नंबर है, यानी कि 40 मिलियन इंसान, पॉपुलेशन कितना है 7 बिलियन, 7 बिलियन का परसेंटेज निकालो 40 मिलियन कितना हुआ, 10^9 और कितना 40 मिलियन, 40 × 10^6 × 100 तो कितना हो गया 4/7 × 10^7 8/9 ठीक है, ज्यादा परसेंटेज नहीं है 0.5, ठीक है, लेकिन 0.5 परसेंटेज आप समझ रहे हैं, जितना भी दुनिया में लोग हैं 0.5 बस क्या है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, यानी सेक्स करने का चीज बन गया, वो इंसान नहीं रहे, उनको हम इंसान नहीं मानते, वो बस पैसा दो सेक्स करके चले जाओ, ठीक है। अभी हमारे दुनिया में है, काफी देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इंडिया में इलीगल है लेकिन फिर भी हर जगह होता है, बरमपुर आप लोग जानता है बहुत बड़ा सेंटर है प्रोस्टिट्यूशन का, ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटे बच्चों को अगवा करके प्रोस्टिट्यूशन करा, और प्रोस्टिट्यूट बस औरतें नहीं होती, बच्चों को भी प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है, और बरमपुर काफी बड़ा सेंटर है, यहाँ से बहुत सारा बच्चों को अगवा करके पूरा देश भर में इधर उधर बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली भेजा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। माँ बाप कभी गरीब होता है, कभी कभार तो किडनैप होता है, लेकिन कभी कभार माँ बाप इतना गरीब है पैसा नहीं है कुछ, वो बेच देता है अपनी बेटी, ठीक है। तो ये हंसने मजाक का चीज है, वो मैं आपके साथ थोड़ा मजाक करता हूँ थोड़ा थोड़ी ये सब, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कल को हो सकता है आप किसी को जानते हो उसके साथ हो सकता है, ठीक है, हाँ हो सकता है। और प्राइसेस पूरे दुनिया में आपको मैं प्राइस होता है, अफ्रीका में जैसे आपको प्रोस्टिट्यूट $1 में मिल जाएगा, $1 यानी कितना 60 रुपीज 70 रुपीज, सोच रहा है एक इंसान का कीमत बस 70 रुपीज सेक्स कर लिया, ठीक है। वैसे ही अमेरिका में जो हाई क्लास थोड़ा जो अमीर जो मॉडर्न टाइप ऐसा होता है उनको $10,000 per hour, $10,000 कितना हो गया 7 लाख रुपए, एक घंटा का 7 लाख रुपए मिलता है उनको, ये सब प्रोस्टिट्यूट कहाँ जाता है, सब बड़ा बड़ा मंत्री पॉलिटिशियन ये सबके पास, ठीक है। और ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स को वायलेंस हिंसा सामना करना पड़ता है, उनको मारते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, बीमारियां, एड्स, एसटीडी, ये सब जो सेक्स के द्वारा बीमारियां फैलती है, ठीक है, उन पर अभी थोड़ा और बात करें आगे। तो बेसिकली क्या ह्यूमन राइट क्या होता है, जीवन का अधिकार है ना, जितना भी ह्यूमन बींग्स है उनको जीने का अधिकार है ना, और एक अच्छे जीवन का अधिकार है, ये नहीं कि बस इन जानवर की तरह जी रहे, एक अच्छा जीवन डिग्निटी बोलते हैं जिसको, सम्मान और अधिकार है इस जीने का, तो ये नहीं मिल रहा है, ठीक है।
अभी भी हर साल 2 मिलियन बच्चे का ट्रेड होता है सेक्स के लिए। 2 मिलियन यानी कितना, 2 × 60, ठीक है, पूरी दुनिया में हर साल होता है। हर दिन कम से कम 5 बच्चे इसी चीज की वजह से मरते हैं, या तो बीमारी से या फिर हिंसा, ठीक है, 5 बच्चे रोज मरते हैं। और एक जो सर्वे है, स्टडी किया है, उसके मुताबिक 18 साल पहुंचने से पहले हर 3 लड़कियों में से एक लड़की और हर 5 लड़कियों में से एक लड़का के साथ कुछ ना कुछ सेक्सुअल अब्यूज होता है। अब्यूज का मतलब रेप ही नहीं, यानी कोई अगर तुमको हाथ ऐसे लगा रहा है, कभी कभार गलत हाथ लगा रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसे हाथ लगा रहा है कहीं नीचे या फिर आगे हाथ लगा रहा है, अगर तुमको सही नहीं लगता वो भी सेक्सुअल अब्यूज है, ठीक है, समझ रहे हैं। सेक्सुअल अब्यूज बस रेप नहीं होता है, सेक्सुअल अब्यूज बहुत कुछ चीजें होता है। अगर तुमको किसी का पसंद नहीं है, सोचो तुम्हारा अंकल या कोई भी आके तुमको इधर उधर कहीं हाथ लगा रहा है, और लड़कों के साथ भी होता है, ये बस लड़कियों के साथ नहीं होता है, ठीक है, ये भी सेक्सुअल अब्यूज है। आपका शरीर आपका अपना शरीर है, ठीक है, कभी भी कोई आपको जबरदस्ती हाथ लगा रहा है, कुछ बोल रहा है और आपको गलत लग रहा है वो, तो उनको रोको, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो। चाहे फैम और ज्यादातर चीजें ये फैमिली में होती है, बाहर नहीं होती है, ठीक है। जैसे हाँ, उसी स्टडी का पार्ट है कि 68% काफी बड़ा नंबर है, 68% जैसा जो सेक्सुअल अब्यूज होता है ज्यादातर परिवार के अंदर होता है, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई कभी कभार फादर, ये सब होता है, ठीक है, तो ध्यान। और इन सब चीजों से क्या है, जीवन भर जो बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है किसी के साथ, सोचो ये ऐसा कुछ 5-6 साल का होता हो जाए, पूरा जीवन भर उसके दिमाग में रहता है ये, ठीक है, उसका जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी खराब हो जाता है पूरा, उसके दिमाग में रहता है ना, और जीवन भर रहेगा। तो जैसे जो एडल्ट है जो उसको तंग कर रहा है, उसको तो नहीं है ना, वो तो अपना मजा के लिए कर रहा है, लेकिन जो बच्चा है उसका दिमाग में ये रहेगा पूरा जीवन भर, उसका लाइफ खराब होगा। तो वही, अगर आपके साथ भी अगर ये ऐसा कुछ कभी हुआ है, या फिर आप किसी को जानते हैं, कोई दोस्त जिसके साथ कभी हुआ है, तो एक चीज बहुत समझने का जरूरत है कि आप लोगों का गलती नहीं है, ठीक है, ये बच्चे का गलती नहीं होता है, बट जो एडल्ट जो ये सब कर रहा है उसका गलती है। और अब ठीक है, अब हो गया है बचपन में, लेकिन पूरा जीवन भर आप अपना फ्यूचर उस पर मत खराब करो, ठीक है, हुआ है अब क्या कर सकता है, हो गया, आगे का सोचो, ठीक है। और कभी भी ऐसा फिर से ना अपने साथ होने देना है, ना आसपास कभी किसी और के और होने देना है, ठीक है। जैसे मैं अपना कहानी बताता हूँ, मेरा उस मामले में लकी रहा हूं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कुछ, ठीक है। एक दो बार जैसे कभी शहर में घूम रहा था बचपन में, तो कोई हाँ ऐसा हुआ है कि कोई पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन ठीक है। लेकिन मेरा 2-3 दोस्त है उनके साथ बचपन में अपना फैमिली मेंबर उनको रेप नहीं किया, लेकिन वही जैसे मैं बता रहा हूँ, हाथ लगाना, तंग करना, ये सब वो अभी तक उनके दिमाग में प्रॉब्लम चलता है, ठीक है, वो याद करता है, फ्रस्ट्रेशन है। तो वही, अब पास्ट में हुआ है तो ठीक है, लेकिन अपना फ्यूचर नहीं करा पाए, ठीक है, ना कभी अपने साथ ऐसा चीज होना, ना कभी किसी के साथ करना, और आसपास कोई है तो उनके साथ नहीं, ठीक है। अपन और नंबर्स का बात करते हैं, इंडिया का बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में जितना भी प्रोस्टिट्यूट्स है उसमें से 20% बच्चे हैं, समझ रहे, अगर 1000 प्रोस्टिट्यूट है तो 200 उसमें से बच्चे होंगे, ठीक है। उसमें से जो बच्चे प्रोस्टिट्यूट है उसमें से 25% को किडनैप किया होता है, 6% को रेप करके बेचा जाता है, और 8% उनका अपना फादर बेचा होता है, ठीक है। उसके अलावा 2-3 लाख हर साल 2-3 लाख छोटी लड़कियां नेपाल से आते हैं, नेपाल से उनको बोलते हैं कि हाँ इंडिया अमीर देश है, वहां पे नौकरी देगा, ये सब देगा, कुछ कुछ बोल के इंडिया ले आते हैं, और बॉम्बे के वैसा घर या फिर बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली में भेज देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यानी आप इंसान, बच्चे, औरतें और लड़कियों को गाय भैंस की तरह बेच रहा है ना, जिस तरह से कैटल बेचता है, बकरी बेचता है, वैसे ही ला के इंसान को बेच रहा है जानवर की तरह, है पैसे के लिए। उसके अलावा दुनिया में अभी कुछ 200 मिलियन यानी 200 × 60, बहुत बड़ा नंबर है, 200 मिलियन लोगों को एसटीडी है, एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो बीमारी जो सेक्स के द्वारा फैलती है, ठीक है,
उसमें से 50 मिलियन 200 मिलियन में से 50 मिलियन यानी कितना 1/4 25% लोग इंडिया में रहते हैं, इसीलिए सेफ सेक्स क्वांडम। कुछ पता नहीं होता जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं उसको क्या बीमारी हो सकती है, वही बीमारी फिर आप हो सकता है अपने घर में ले आए, अपने बीवी को भी दे रहे हैं ना, समझ रहे। कभी मजा के लिए तुम चला गया प्रोस्टिट्यूट के पास, कुछ पता नहीं क्या क्या बीमारी लग सकता है, वही बीमारी आके तुम घर पे ट्रांसमिट करेगा, बीवी को हो जाएगा, बीवी से बच्चे को होगा और फैलते रहते हैं ये चीज, ठीक है। बच्चे का क्या करते हैं जो एड्स के साथ पैदा होता है, तुमको बीमारी है तुम तो ठीक है, तुम गलती किया है, तुम्हारे बीवी का क्या गलती है, बच्चे का क्या गलती है ना। तो इससे सेफ सेक्स पे अभी और बात करेंगे। वैसे अब पॉन का बात करते हैं, ठीक है। पॉन पता है ना सबको, देखा ना देखा पता है क्या होता है ना, ब्लू फिल्म एडल्ट फिल्म। हर सेकंड दुनिया में अराउंड 30,000 लोग इंटरनेट पे पॉन देख रहे हैं, हर सेकंड 30,000 लोग, ठीक है। एक तरह से कलेक्टिव बीमारी है। 35% इंटरनेट में जितना भी डाउनलोड होता है उसका 35% पॉन होता है, 35% बहुत बड़ा है। इंटरनेट में क्या क्या, इतना रिसर्च कर सकता है, पढ़ाई लिखाई का बहुत कुछ, मूवी देख सकता है, लेकिन 35% होता है पॉन। वेरी। और हाँ, लड़कियां भी पॉन देखती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लड़का लोग देखते हैं, लड़कियां लोग भी देखती है। और हाँ, ज्यादातर सेक्स फिल्म, एक स्टडी किया था साइंटिस्ट ने, जितना भी जो टॉप का जो सेक्स फिल्म है जो बिक रहा है दुनिया में, उसमें उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 90% सीन्स हिंसा का होता है, औरत के अगेंस्ट हिंसा, या तो उसको थप्पड़ मार रहा है या फिर कुछ मुंह से गाली दे रहा है, ये सब। तो वही जो मैं आपको बोलता हूँ, ये सेक्स नहीं है सर, ठीक है, ये सेक्स का एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा जो निकाल के आप लोग को दिखाया जा रहा है, ये इनफैक्ट हमारे दिमाग का कलेक्टिव बीमारी है जो मेल्स में, ठीक है, जो बनाया गया समाज प्रथा जैसे भी बना है, पावर का शक्ति पावर गेम चल रहा है, ठीक है, पावर गेम समझता है ना। जैसे आपको एग्जांपल दिया था, स्कूल में भी पावर गेम चलता है, पता है आपको, पता है ना, पॉलिटिक्स पावर, एक साइड से कुछ टीचर है, एक साइड दूसरा टीचर है, पावर चलते रहते हैं। वैसे हम लोगों ने मेल फीमेल का भी कर दिया, मेल पावर हमेशा औरत को दबा के रखना था, तो ये सब वॉयलेंस पॉन ये सब उसी का हिस्सा है, ठीक है। पॉन देख रहे, इसमें ऐसा कुछ बुरा बात नहीं है, कुछ पाप नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है बचपन में, हाँ कहने जा रहा है, दो कर रहा है, क्यूरियोसिटी होता है बचपन में, ठीक है, समझता है, मैं भी देखा है, लेकिन ये नहीं कि उसके पीछे पागल हो रहा है, दिन भर पॉन ही देखते रहे, ठीक है। और क्या, एक और बात, कोई भी बिजनेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। डिमांड यानी मांग, किसी चीज का डिमांड, मांग यानी कि हमको कुछ चाहिए, किसी चीज, हाँ कोई प्रोडक्ट चाहिए, और सप्लाई यानी उस प्रोडक्ट का, यानी इतना सारा प्रोडक्ट मार्केट में है, सप्लाई डिमांड सप्लाई, देखो अरे जैसे कि शिनू का दुकान में जाता है, मिक्सर सबको खाना अच्छा लगता है, डिमांड DEMAND MAND और सप्लाई SUPPLY, तो ये इकोनॉमिक्स जानते हैं, अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमिक्स का ये फंडामेंटल रूल है कि डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो जैसे शिवू का दुकान में आप लोग जाते हैं, मिक्सर सब लेता है, काफी डिमांड है, यानी मिक्सर का डिमांड है, ठीक है। तो इसीलिए शिवू हर महीना खूब सारा मिक्सर लाता है, यानी सप्लाई लाता है, क्योंकि डिमांड है आप लोगों की तरफ से, इसलिए वो सप्लाई लाता है और मार्केट चलता है। कल को अब तुम लोग, हाँ कल को तुम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको मिक्सर नहीं चाहिए, तुम सब लड़का लोग डिसाइड करता है हमसे कोई मिक्सर नहीं, सॉरी हमसे कोई मिक्सर नहीं खाएगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, धीरे धीरे शिवू मिक्सर लाना बंद कर देगा, यानी सप्लाई बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ, यानी कोई भी चीज प्रोडक्ट चलने के लिए मार्केट में डिमांड होना चाहिए और सप्लाई होना चाहिए। अब अगर तुम लोगों का बहुत सारा डिमांड है मिक्सर, एक मिनट, मिक्सर तुमको चाहिए लेकिन शिवू नहीं लाता है, तो क्या करेगा तुम लोग, किसी और दुकान में चले जाएगा, है ना। तो अच्छा, डिमांड सप्लाई देखा,
ठीक है, बाद में देखना अपने घर से। तो वही सेक्स प्रोस्टिट्यूशन पॉन का भी यही डिमांड सप्लाई है। अगर तुम लोग डिसाइड कर देता है कि प्रोस्टिट्यूट, हाँ क्या हुआ, हाँ ले लो ढूंढ लो, डिमांड चाहिदा चाहिदा सर, समझ गया। और सप्लाई तो प्रोस्टिट्यूशन और पॉन का भी यही है। जिस दिन अगर जो मेल इंसान लोग डिसाइड करता है कि आगे से अब से आप प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाएगा, धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहा है तो प्रोस्टिट्यूट किस लिए बैठे हैं। वैसी पॉन का डिमांड है इसलिए इतना सारा पॉन बन रहा है दुनिया में। अगर पॉन हम लोग देखना बंद कर देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, है ना। औरतों का थोड़ा और रिजर्व बढ़ जाएगा, औरतों को बस सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देगा कि एक छेद है जिसमें पीनस घुसाना है, नेचुरल प्रोसेस है। कुछ इतना महान काम नहीं करता है, ठीक है, सेक्स करके कि पीनस को वजाइना के अंदर घुसा के, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है। कुत्ता भी करता है, हर जानवर करता है, छोटे से छोटा जानवर भी करता है, चिड़िया भी करती है, ठीक है। कुछ तुम तीर पहाड़ पे नहीं चढ़ गए ये करके, तुम लोग जितना भी है यहाँ पे क्यों है, क्योंकि माँ बाप सेक्स किया था इसलिए यहाँ हो। तो समझ रहे, कुछ नया काम नहीं करोगे सेक्स करके, कुछ महान काम नहीं करोगे, ठीक है। बहुत नेचुरल चीज है, ना बुरा है ना अच्छा है, ठीक है। कुछ इसका बुरा अच्छा, कैसे खाना खाता है, खाना खाने में कुछ क्या तुम सोचता है कि ये अच्छी चीज पुण्य कर रहा है या फिर पाप कर रहा है, नहीं ना, बस खाता है। वैसे ही सेक्स भी है, पॉटी करते हुए सोचता है क्या कि कुछ पाप कर रहा है, नहीं ना, नहीं करता। यूरिन करते सुसु करते सोचता है कि पाप हो रहा है, नहीं ना, वही जोगान परिवार आवश्यकता सप्लाई सप्लाई, समझ गया, फर्निशर प्रोवाइड समथिंग नीडेड। हाँ, तो वही डिमांड एंड सप्लाई, कोई भी चीज डिमांड एंड सप्लाई। और ये समय क्यों बोल रहे हैं आप लोगों, क्योंकि आप लोग लड़का लोग बैठा है तो आप लोगों का दायित्व बदला एक तरह से, ठीक है। क्योंकि आप लोग ही अगर बदलेंगे, हम लोग एक दूसरे अपने आप को बदलेंगे, तभी समाज में थोड़ा बदलाव आएगा, है ना। और हम लोग बहुत टाइम से औरतों का काफी बुरा हाल किया है, तो शायद अब टाइम आ गया कि हम लोग थोड़ा उस चीज को सुधारें, है ना। हाँ, और आदमी पे क्यों एक और दायित्व क्यों आ जाता है, हाँ, समाज का। और दूसरा क्या है जो कि आप बाकी जानवरों में देखता है, फीमेल क्यों चूज करती है, जैसा हमने वीडियोस देखा था, हाँ, मेल जैसे क्या हमने देखा था कि जानवरों में भी दो मेल लड़ाई करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर फीमेल चूज करती है किसके साथ सेक्स करेगी। चिड़ियों में क्या है, कलरफुल पीकॉक जैसा, पीकॉक जाता है ना, मोर, मोर का बहुत कलरफुल होता है पंख जैसा, उससे वो। और जो फीमेल मोर होता है उसका आप देखा है, फीमेल मोर ग्रे कलर का होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, क्यों है, मेल के पास रंग उसको अट्रैक्ट करने के लिए। और हमेशा दो अगर पीकॉक खड़ा है तो फीमेल चूज करेगी ये वाला पीकॉक या फिर ये वाला पीकॉक के साथ सेक्स करना है। फीमेल के पास चॉइस क्यों है, नेचर ने फीमेल को चॉइस क्यों दिया है, लेकिन वो अच्छा जन्म बहुत दर्द, हाँ, क्योंकि फीमेल एक को जन्म देती है और दूसरा अपना बहुत एनर्जी और टाइम लगाती है बच्चा को पैदा करने में, अंडा को गर्म करने में, बच्चा को बड़ा करने में। तो क्या होता है, अगर बच्चा ही पैदा करना है फीमेल को, एक साल में वो शायद एक दो बच्चा पैदा करे। मेल को जैसे अभी सेक्स किया एक फीमेल के साथ, उसके साथ बच्चा अब हो जाएगा, उसके बाद एक घंटे बाद जाके किसी और के साथ सेक्स करेगा, अगले दिन किसी और के साथ सेक्स करेगा। तो मेल चाहे तो अपना हजारों बच्चा कर सकता है ना, लेकिन फीमेल नहीं कर सकती, इसलिए फीमेल के पास चॉइस होता है, ठीक है, नेचर के हिसाब से। और दूसरा जो एक है सेक्स का, जो हम बोलते हैं कि क्या है, प्लेजर क्या होता है, मजा, आनंद। तो सेक्स बस आनंद का चीज नहीं है, एक तो क्या है रिप्रोडक्शन, मेन सेक्स क्या है, रिप्रोडक्शन है। इंसान ने धीरे धीरे रिप्रोडक्शन वाला चीज को हटा दिया है ना, आनंद वाले चीज में ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन लिटरली ये क्या है, जीवन और मौत का खेल है, ठीक है, समझ रहे, बहुत ही बस आनंद का बात नहीं है। लड़का लोगों के लिए आसान है, आनंद लेके चला जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये जीवन मौत का खेल है। क्यों, सोचो, कोई
16-17 साल की लड़की है वो सेक्स करती है, तुम भी 16-17 का होगा, है ना? हाँ, कितना? 16 साल का लड़का 16 साल की लड़की दोनों सेक्स करता है बिना पार्टनर के, बिना कुछ। और क्या है, लड़की हो गई प्रेग्नेंट, किसको सफर करना पड़ेगा, किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगा? तुमको क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं होगा ना, ज्यादा ज्यादा थोड़ा बुरा लगेगा। लड़की को क्या क्या प्रॉब्लम होगा? एक तो सामाजिक प्रॉब्लम होगा, क्या? शर्म, लज्जा, आसपास का पूरा जो सोसाइटी है, पड़ोसी है, सब बात बनाएगा, कोई शादी नहीं करेगा, ये सब नाटक होगा। दूसरा, हाँ, शरीर का भाई, पेट फूल जाएगा, बच्चा हो सकता है, बच्चा अगर क्योंकि बहुत यंग है ना अभी, वो फीमेल भी बहुत यंग है, तैयार नहीं है पूरे ढंग से, हो सकता है प्रेगनेंसी में बच्चा देते देते वो खुद भी मर जाए और बच्चा भी मर जाए, या फिर अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है? भ्रूण हत्या, जो ऑलरेडी बच्चा अगर बन रहा है पेट में तो उसको मार देना। तो अबॉर्शन भी बहुत सिंपल चीज नहीं है कि एक बटन दबा दिया अबॉर्शन हो गया, दो चीजें होती है अबॉर्शन में, या तो कुछ बहुत सारा दवाई देता है, उससे बेसिकली क्या होता है, वो दवाई पूरा आपके जो अंदर जो चीजें हैं उसको गला देता है, ठीक है, बहुत दर्द होता है, बहुत खून निकलता है, कोई अबॉर्शन बहुत सिंपल चीज नहीं है। या फिर जो दूसरा पुराना तरीका है वो और भी खतरनाक है, उसमें क्या होता है, एक आयरन स्टील कुछ पहना है, आयरन का एक लंबा सा डंडा होता है लोहे का, वो वजाइना के अंदर डाल के उससे पूरा ऐसे से खुरच खुरच के अंदर पूरा निकाल देता है, ठीक है। तो सिंपल ये सब, अबॉर्शन इतना कुछ सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दायित्व आप लोगों का बनता है सोचने का, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम हमेशा फीमेल को होगा। तो इसलिए कम से कम क्या बार बार बोलते हैं क्या, क्वांटम, कम से कम, ठीक है, क्वांटम यूज। और क्या क्या तरीका होता है बच्चा ना होने का? एक तो क्वांटम, क्वांटम कैसे इस्तेमाल करता है, देखा है कभी क्वांटम? कहाँ देखा, देखा? वो जो छोटा छोटा बच्चा खेल रहे थे सर, खेल रहा था सर, हाँ सर, ऐसे बुक कर रहे, वो तो उसको तो पता नहीं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वांटम क्या, बलून जैसा होता है ना, तो जैसे ये पीनस है, अगर अट्रैक्शन अट्रैक्ट होता है तो पीनस क्या होता है, उड़ जाता है। हाँ ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है ना, तो क्वांटम उसके ऊपर ऐसे डालता है बलून की तरह। हाँ तो क्या होता है, जब सेक्स करेगा वजाइना के अंदर ऐसे जाएगा, लेकिन स्पर्म नहीं जाएगा, क्योंकि स्पर्म जो सीमन जो सफेद रंग का कुछ निकलता है ना, उसको क्या बोलता है, सीमन। तो सीमन क्वांटम के अंदर उस थैली के अंदर रह जाएगा, औरत के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, बच्चा नहीं होगा। और क्वांटम का एक और फायदा है कि बीमारी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वजाइना और पीनस स्किन टच नहीं हो रहा है ना, पीनस के ऊपर वो लगा हुआ है तो टच नहीं हो रहा है, तो बीमारी भी नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्वांटम हमेशा सेफ होता है, कभी कभार क्वांटम फट जाता है, ठीक है, सेक्स के दौरान, तो फिर बच्चा हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान से, ठीक है। हाँ एड्स भी रोग है, सेक्स के द्वारा भी हो सकता है, सिरिंज के द्वारा हो सकता है, नीडल अगर सेम इंजेक्शन यूज करेगा, इवन सेम ब्लेड यूज करेगा। इसीलिए मैं तुमको एक बार भी बोला था कि यहाँ पे तुम लोग जो शेव करता है सब अपना ब्लेड रखता है क्या? आगे से प्लीज सब अपना अलग अलग ब्लेड रखो, ठीक है, ब्लेड खरीदने में क्या एक रुपए का आता है ब्लेड, है ना, प्लीज अपना अपना ब्लेड रखो। अगर एक इसमें से एक को भी बीमारी है तो सबको हो जाएगा, ठीक है, ये सब बहुत ध्यान देने की चीज है। एड्स ऐसी चीजों से फैलता है, एड्स टच करने से नहीं फैलेगा, एड्स साथ खाना खाने ये सब से नहीं होता, एड्स साथ सेक्स करने से, खून मिलने से, जैसे अगर इंजेक्शन यूज कर रहा है या फिर ब्लेड यूज कर रहा है, सेम ऐसी चीजों से होता है, ठीक है, सेम प्लेट से खाना खाएगा वो सबसे नहीं होगा, ठीक है। और ये भी नहीं, बहुत सारा बीमारी है, सिफिलिस, गोनोरिया, बहुत सारा सेक्सुअल बीमारी है, ठीक है, इसलिए क्वांटम। हाँ टीबी वगैरह अलग है, मैं अभी सेक्सुअल डिजीज का बात कर रहा है, टीबी पता नहीं मुझे, टीबी भी शायद नहीं होता है, शायद होता है, शायद मुझे नहीं पता, किसी और से मैं देख लिया फिर पूछ लेना, लेकिन एड्स नहीं होता। एड्स क्या है, सेक्सुअली होगा। और क्या, और भी कई तरीका होता है, पिल्स, गोली, बस, लेकिन उन सब से बीमारी नहीं रुकेगा,
बस बच्चा नहीं होगा। क्या होता है, एक पिल होता है जो कि औरत पूरा एक महीना खाती है, रोज एक एक पिल खाती है, उससे क्या होगा उसका जो अंडा बनता है वो अंडा नहीं बनेगा। तो इसलिए स्पर्म अगर अंदर भी जा रहा है तो क्या होगा, अंडा तो है नहीं तो बच्चा नहीं होगा। वैसे ही कुछ कुछ सर्जरी होता है, क्या करता है, जैसे वो सर्जरी होता है मेल सेक्स ऑर्गन ऐसा है ना, अंदर दो पाइप आ रहा है, जैसे दिखाया था ना दो पाइप होता है जो इससे जुड़ा हुआ है, उस पाइप से सीमन आ रहा है, तो क्या करता है सर्जरी उस पाइप को काट देता है ऐसे बीच में से, तो क्या होगा सीमन नहीं आएगा तो बच्चा नहीं होगा। वैसे औरतों में जो पाइप होता है दो वैसा करके दिखाया था ना ऐसा, तो औरतों में क्या करेगा वैसे इन पाइप को काट देगा, तो ये भी एक तरीका है जिससे बच्चा नहीं होगा। और क्या होता है और भी तो, लेकिन ये सब तरीका तभी है अगर आप किसी ऐसे के साथ, जैसे मियां बीवी पति पत्नी सेक्स कर रहा है, दोनों एक दूसरे के जानते हैं और आस पास बाहर नहीं सेक्स करता तो बीमारी का डर नहीं है, इसलिए ये सब कर सकता है। अगर किसी बाहर के साथ आप सेक्स कर रहे हैं तो हमेशा कॉन्डम कम से कम, ठीक है, क्योंकि बीमारी बस कॉन्डम रोक सकता है और नहीं रोकेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया पिल है जो दवाई है ये सब है उससे बच्चा नहीं होगा, लेकिन बीमारी अभी भी हो सकती है, क्योंकि क्या है पीनस और वेजाइना अभी भी टच कर रहा है ना, कॉन्डम क्या है बलून की तरह इसको कवर कर लेना, टच नहीं होता इसलिए उससे बीमारी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। बाकी सब चाहे जेंडर वेंडर तुम समझे ना समझे ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कंसेंट का बात क्या था, कंसेंट याद है, कंसेंट राजी, राजी अग्रीमेंट, सेक्स उसी के साथ होता है जिंस के साथ, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, जबरदस्तीजब सेक्स करता क्या होता है वो रेप होता है, वो सेक्स नहीं होता बलात्कार होता है, और शादी में भी रेप हो सकता है, ठीक है, ये मतलब नहीं कि एक बार शादी कर लिया बीवी हो गई तो अब रोज जब मर्जी उसको मार धो के सेक्स कर लिया, बीवी का भाई वो भी इंसान है, कभी कभार उसका मन नहीं होता है, शायद दर्द हो रहा हो पेट में, शायद सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। सेक्स बस रेप बस वो नहीं होता है जो रोड पे पकड़ के किडनैप करके सेक्स, सेक्स घर पे भी होता है, क्या रेप घर पे भी होता है, ठीक है, पति भी रेप करता है और लड़कों का भी रेप होता है, आदमियों का भी रेप होता है, ठीक है, बस औरतों का नहीं होता है। तो कोई भी जब जबरदस्ती सेक्स हो बिना कंसेंट के, बिना राजी के, बिना अग्रीमेंट के, तो क्या है, तो बलात्कार रेप। और जैसे आपको पता था अगर कोई सो रहा है, अगर कोई बेहोश है तो डेफिनेटली वो राजी नहीं है, तो सेक्स नहीं करना उनके साथ, ठीक है, अगर कोई बेहोश है तो उसके साथ सेक्स नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो अग्रीमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर एक दिन सेक्स कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि कल को भी सेक्स करने का राजी हो जाएगा, हो सकता है लड़की को एक दिन सेक्स करने का मन था तो आपने कर लिया, अगले दिन उसका नहीं मन हो सकता है, तुम ये नहीं बोलेगा कि हाँ आप क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर लड़की एक आदमी के साथ सेक्स करे इसका ये मतलब नहीं है वो हर एक के साथ करेगी, समझ है, अगर वो परमानंद के साथ सेक्स करे तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब भी जाएगा बोले आप हमारे साथ भी करो, ठीक है, ये सब नहीं चलता है, ठीक है ना। अच्छा एक आपको ये तुम लोग के साथ एक बात बोला था ब्यूटी है ना, ब्यूटी के बारे में बात किया था, तो तुम लोगों ने बोला था ब्यूटीफुल औरत के बारे में जब हम सोचते तो क्या आता है दिमाग में, सुंदर, हाँ तो सुंदर यानी कैसे, सुंदर तो ब्यूटीफुल का तुमने ट्रांसलेट कर दिया, सुंदर माने क्या 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 होना चाहिए, क्या बोला था तुमको, स्लिम और हैंडसम, फेस बाल हेयर स्टाइल, हेयर किस कलर का होना चाहिए, ब्लैक, ब्लैक, अच्छा और शक्ल किस कलर का होना चाहिए, बाकी कलर कैसा होना चाहिए, गोरा, गोरा होना चाहिए, क्यों गोरा क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा फेयर क्यों होना चाहिए, डार्क औरतें हैंडसम नहीं होती है, डार्क औरतें सुंदर नहीं होते क्या, तो फेयर औरत क्यों समझता है, तुम फेयर है क्या, तुम ब्यूटीफुल नहीं है क्या, ऐसा है ना, लेकिन हम कैरेक्टर को नहीं समझता है, ये भी सब की चीजें समाज और प्रथा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि ब्लैक, हाँ परंपरा, ब्लैक बुरा है व्हाइट अच्छा है या व्हाइट बुरा है ब्लैक बुरा है, कहाँ से स्किन कलर कहाँ से आता है,
आपको नहीं पदार्थ होता है स्किन में मेलानिन नाम का, MELANIN मेलानिन, ठीक है। हाँ, जिसके ज्यादा अंदर मेलानिन होगा वो डार्क होगा, जिसके अंदर कम होगा वो फेयर होगा। और बल्कि में ज्यादा प्रकृति के अनुसार ज्यादा मेलानिन होना अच्छा है, क्योंकि सन से जलेगा नहीं, प्रोटेक्शन है, बाहर घूम सकता है। गोरा आदमी बाहर घूमेगा लाल हो जाएगा, स्किन जल जाएगा। डार्क आदमी होगा उसका नेचुरली प्राकृतिक प्रोटेक्शन है, मेलानिन है उसके अंदर, तो स्किन नहीं जलेगा, आराम से घूम सकता है। MELANIN ये सब चीजें कहां से आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन, जैसे कॉलोनियलिज्म का बात किया था ना, यूरोप पूरा दुनिया में राज किया था, याद है ये सब बात किया था। तो यूरोप कैसा होता है, यूरोप का लोग कैसा होता है, गोरा होता है। तो इसलिए क्योंकि वो लोग राज कर रहा था और गोरा था, तो वो लोग सबके दिमाग में घुसाने लग गया कि गोरा लोग अच्छा होता है, काला लोग बुरा होता है, सुंदर नहीं होता, ठीक है। ये सब चीजें बनाई गई है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मानना बंद कर दो। अगर कोई तुमको बोलता है कि तुम काला है, तुम सुंदर नहीं है, तो वो बेवकूफ है, ठीक है। कोई बस अगर रंग, ये सब जेनेटिक्स, ये सब कोई चूज नहीं करता, ठीक है, जन्म से आता है। और जैसे मैंने आपको समझाया, काला होना ज्यादा अच्छा है एक तरीके से, नेचुरली प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये सब दिमाग से थोड़ा निकाल दो। फेयर एंड लवली, हम पूरे देश में फेयर एंड लवली क्रीम बेचते रहते हैं, कभी कोई गोरा हुआ फेयर एंड लवली का नहीं ना, लेकिन फिर भी लोग इतना एड देखता है, बेचता है, शाहरुख खान बेचता है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये दिमाग में लोगों के दसा हुआ है कि गोरा होना है, गोरा होना है, क्या कर रहे हैं गोरा होने। तो उसी के चलते तुमको एक दो फोटो दिखा दे, अच्छा, तो अलग अलग जाति का, अलग अलग टाइप का मैं आपको फोटो दिखाएगा, ठीक है, सबको दिख रहा है, चाइनीज, ठीक है, सबका दो आंख है, हाँ सर, हाँ सर, ये सुंदर नहीं है क्या, ये हैंडसम, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जो भी, ये हैंडसम नहीं है क्या, यस सर, अफ्रीकन औरत, ये सुंदर नहीं है क्या, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है, सुंदर नहीं है, सुंदर है, इंडियन आदमी, हाँ, ये क्या, ये बदसूरत है क्या, हाँ बदसूरत है, ये सुंदर नहीं है, ये भी सुंदर है भाई, सुंदर है सर, ये सुंदर नहीं है क्या, इंडियन औरत सुंदर नहीं है, है ना, हाँ। ये कुछ ज्यादा सुंदर है क्या, बाकी में से कुछ है क्या स्पेशल, उसका कुछ उग रहा है, नहीं सर, उग रहा है क्या, नहीं सर, पैर है तो ज्यादा सुंदर है क्या, नहीं ना, ये सुंदर है लेकिन पैर की वजह से सुंदर है क्या, ये नहीं ना। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सबका दो आंख है, एक नाक है, मुंह है, सब ह्यूमन बीइंग है। ये सब सुंदरता का भी आइडिया बहुत कुछ आपको टीवी ये सब के थ्रू आता है, क्योंकि टीवी में आप ऐसा ही औरतें देखते हैं, जैसा ज्यादातर मूवी देखेगा हीरोइन ऐसा ही होगा, गोल्डन कलर का बाल होगा, आंखें ब्लू कलर का होगा और गोरी होगी, फेयर होगी। तो इसलिए हमारे दिमाग में बैठ गया कि ऐसा ही टाइप का औरत सुंदर होता है, नहीं, कोई भी औरत सुंदर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सबके अगर ये सब ऊपर का चमड़ी हटा दे, मेकअप हटा दे, और आधा लोग तो मेकअप करके होता है, ठीक है, मेकअप लगा के कोई भी सुंदर बन जाता है, खूब सारा पेंट बने, इतना सारा पेंट लगाएगा तो सुंदर ही लगेगा। सबके अंदर असल में क्या है, चमड़ी उमड़ी निकाल देगा तो ये सब है हमारे अंदर, ये स्किन, ये सब मांस, मसल्स, ये सब, और ये क्या है, ये फिर से मसल्स, जो तू मसल बनाता है, अगर ऊपर का चमड़ी हटा देगा, ये चीज हटा देगा तो ऐसा दिखेगा, सब अंदर ऐसा ही दिखेगा, चाहे चाहे अफ्रीका से आया हो, चाहे गोरा आदमी हो, चाहे काला आदमी हो, चाहे औरत हो, सब ऐसा ही दिखता है अंदर, ठीक है, हाँ अंदर ऐसा ही होता है सब। और ऐसा ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है, बताओ क्या अंदर है,
तो अभी है क्या फैन सर? नहीं सर, सेम सर, हड्डी नहीं है, हड्डी सेम है, सेम है सर, वो साइड मेल है सर। हाँ फीमेल मेल, लेकिन सेम है ना, देख अगर अभी तुम वही अपना स्किन हटा देगा काट के तो तुम सब एक जैसा लगेगा, ठीक है क्या? अबे वो है जहाँ से खाना पचता है। नहीं वो चाबी दिया जी उन्हें, चाबी दिया जी उन्हें क्या सारा कोई लोग ही चाबी वापिस दे रहे हैं। और ये सब है हमारे अंदर ऑर्गन्स है ना, मेरुदंड, हार्ट, लिवर, स्टमक, ये सब ठीक है सर। और वैसे ये वो जैसे पाइप फीमेल, फीमेल का सर इंटेस्टिंग, अरे फीमेल मेल एक ही है सेम है, खाने का सिस्टम सबका सेम है, बस ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला होता है जो कि यहाँ नहीं दिखा है बस, ठीक है। तो कभी भी काला गोरा ये सब ज्यादा ये बकवास नहीं कर रहा, ठीक है, सब बकवास है, नहीं करता है। जब मैंने पूछा सुंदर कौन है तो बोलता है फेयर एंड स्लिम, तो वही दिमाग में आता है ना, दिमाग में वही टीवी फिल्म ये सब बहुत समाज सामाजिक है, ठीक है। अच्छा लास्ट एक दो पॉइंट है उसमें बात करता है फिर क्या जो पुराना धर्म है ना हमारा, अब आप लोगों को लगता है कि धर्म ये सब ज्यादातर क्या है, धर्म बोलता है कि सेक्स मत करो, सेक्स पाप है ना, इस तरह का समझता है, लेकिन ऐसा नहीं, इस चीज को भी धीरे धीरे ऐसा समाज में बनाया गया है। जो पुराना अगर आप हिंदुइज्म देखेगा या फिर जैसे आपको पता है उड़ीसा में तो कोणार्क मंदिर देखा कभी? कोणार्क टेम्पल नहीं देखा है? अच्छा यहाँ आसपास के कभी टेम्पल में देखा होगा ना सेक्स का फोटो? जैसे आपको शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट पता है ना, क्या है शिव और शक्ति जब सेक्स करता है पूरा यूनिवर्स बन जाता है। तो पुराना जो असली जो रिलीजन है हिंदुइज्म भी उसके हिसाब से ये सब बहुत प्योर चीज है, ठीक है, एक बहुत डिवाइन चीज है। जैसे आपको कोणार्क का मैं फोटो दिखाता हूँ, कोणार्क जिस जो नहीं देखा है, मैं भी कुछ टाइम पहले गया था और नीचे में देखा सर, जैसे धर्मा को वीडियो पर्दा में एक दिन दिखा हुआ था सर, कोणार्क का सर देखा था, एक कहानी था वो उसमें दिखा देखा था, ठीक है चलो कोणार्क को देखी ना तुम अरे बोल रही हाँ जैसे ये है, ये कोणार्क का बस एक ही बहुत पूरा दीवारों में हर दीवार में ऐसे ही है, उसमें से एक दीवार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है, सेक्स हो रहा है, हाँ तो वही कुछ तुम नया वो चीज नहीं है, ठीक है, पॉन नहीं है, ये नेचुरल चीज है, सब करता है और शुरुआत में इसको, हाँ तो पुराना धर्म में ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेड था, कुछ एबनॉर्मल नहीं था, कुछ पाप नहीं था, कुछ बुरा नहीं था, ठीक है, इसको हमने धीरे धीरे ऐसे बनाया है। उस समय सेक्स का मतलब क्या था कि दो आदमी और औरत साथ आते हैं और जो आनंद जिसको हम मजा बोलते हैं, पुराने धर्म में माना जाता था कि वो आनंद आपको असल में भगवान दिखा रहे हैं, वो आनंद भगवान का रूप है, ठीक है, ये माना जाता था पहले। और अभी भी शायद आप लोग जब सेक्स करेंगे शायद आप लोगों को भी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। भगवान को ढूंढने का कई माध्यम हो सकता है, जैसे जो फीलिंग है, जो भगवान का फीलिंग, जैसे कभी कभार आप मंदिर जाता है ऐसे हाथ जोड़ के पूजा करता है तो अच्छा लगता है ना फीलिंग, वो फीलिंग लोग बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, मेडिटेशन करके, योगा करके, नशा करके, खाना नहीं खा के, 10 दिन तक उसने खाना नहीं खाएगा, उपवास करता है तो सर घूमने लग जाता है, ऐसा लगता है कि भगवान मिल गया है। डांस करके, म्यूजिक करके, बहुत इंटेंस म्यूजिक होता है वो, अगर ऐसे वो वाला म्यूजिक नहीं, खिचड़ी वो नहीं, एक जो बहुत
जो शायद आपका गांव गांव में सुनता होगा, जिसमें बस ड्रम्स होता है आराम आराम से धीरे धीरे, वो म्यूजिक तुम एक घंटा तक सुनेगा आप बंद करके ना, सही में किसी और दुनिया में पहुंचा देगा वो म्यूजिक, ठीक है क्या? तो वे कुछ बुरा नहीं है, पाप नहीं है, धर्म के द्वारा भी कुछ चीजें ऐसा नहीं। अब हमने धीरे धीरे ये सब जैसा बाकी चीजों की तरह समाज में बना दिया है इन सबको बुरा। तो हमने बेसिकली क्या किया है, जाति एज अ ह्यूमन स्पीशीज हम लोगों ने एक बहुत जो प्योर नेचुरल चीज है सेक्स, जिससे क्या होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है, उसको हमने एक बहुत एक बड़ा और अजीब और नेगेटिव चीज बना दिया है ना। इतना आपको आप लोग समझ गए कि जो अट्रैक्शन आप जो समझता है वो नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है, ज्यादातर वो अट्रैक्शन आपके दिमाग में बनाया गया है ना। जैसे आपको लगता है कि फेयर ब्यूटीफुल है, ब्लैक डार्क ब्यूटीफुल नहीं है, ये सब बस बनाए गए आइडिया, तो इन पे आपको सवाल उठाना जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसी चीजों पे आप लोग सवाल नहीं उठाएगा तो दिमाग भी वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। और शायद हमको ये भी इसी चीज से हमको बाहर इवॉल्व समझना है, इसी चीज से हमको आगे बढ़ना है, विकास करना है अपना, कि हम लोग एक दूसरे को अलग अलग देखना बंद करें। जो मैं बार बार चीज बोलता है, हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग, तो एक दूसरे को बस ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे तभी हम लोग एज अ स्पीशीज आगे बढ़ सकता है। अभी हम लोग एक दूसरे को अलग अलग देखता है, इंडिया पाकिस्तान अमेरिका चाइना रशिया, तो एक दूसरे से लड़ रहा है। अगर एक दूसरे को एक ही तरह देखेंगे, हिंदू मुस्लिम जैन बुद्धिस्ट क्रिश्चियन लड़ रहा है, मेल फीमेल एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, एक दूसरे का दिमाग खराब कर रहा है, कुछ भी ये सब चीजें हैं, रंग डार्क फेयर ये सब, इन चीजों को अगर हम छोड़ के इनसे आगे बढ़ेगा अपने दिमाग से और सब एक दूसरे को ह्यूमन की तरह देखेगा और एक साथ मिलके काम करेगा अपने जाति के लिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे जाति सर्वाइवल का क्या बोला था, दो सर्वाइवल होता है, फूड और हाँ, एक होता है खाना खाना और अपने आप का बच के रहना, वो सर्वाइवल है। लेकिन अगर पूरे जाति का सर्वाइवल करना है तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन और क्या, साथ मिलके रहना, अपने आप को एक जाति की तरह देखना। हम लोग अपने आप को जाति की तरह तो देखता ही नहीं है, कोई हिंदू को देखता है, कोई मुस्लिम देखता है, कोई इंडियन देखता है, कोई पाकिस्तान देखता है, कोई ये देखता है, कोई वो देखता है, कोई मेल कोई फीमेल कोई जेंडर कोई क्या। अगर हम लोग एक दूसरे को पहले अगर एक जाति की तरह देखेंगे तभी आगे होगा ना कुछ, ठीक है। तो यही पे फिर हम लोग ये सेक्स चैप्टर भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आप बाकी जब मैं वापस आएगा तब फिर हम आगे बढ़े, ठीक है।